नूरपुर के कंडवाल क्षेत्र के कुछ युवाओं ने आजकल नशे पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। युवाओं का कहना है कि अब ना तो वे नशा करने देंगे और ना ही नशा बेचने देंगे। इसी के तहत गांव के कुछ युवाओं ने नशा बेचने और नशा करने वालों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। गांव वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी दो युवक पकड़े गए थे। उनका यही कहना था कि हमारी जमानत हो जाती है, पुलिस क्या कर सकती है, हमारा चिट्टा पिएंगे और बेचेंगे, हमें किसी की भी परवाह नहीं है। आज भी इन लोगों को पकड़ा गया और नशा भी बरामद किया गया। नूरपुर के डीएसपी डॉक्टर साहिल डडवाल ने बताया कि फोन आया था कि कंडवाल में लोगों ने तीन युवकों को पकड़ा है जो नशा कर रहे थे और बेच रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 0.28 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। तीन युवक दीपक शमशेर और गुरमीत सिंह से लगभग 0.28 चिट्टा बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। विक्रम सिंह, मैं कंडवाल का स्थायी निवासी हूँ। सर, मेरा ये कहना ये है कि ये जो इलीगल ड्रग्स वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या ये इनहेल वगैरह कर रहे हैं, सर ये इनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो मेरा सरकार से या पुलिस से यही कहना है कि इनसे इन पर कम से कम वगैरह लगाम लगाई जाए और सर इनकी निष्पक्ष जाँच की जाए, इनकी बाजू वगैरह देखी जाए ध्यान से। अगर हमारी बात पर कोई यकीन नहीं होता तो चेक वगैरह देख सकते हैं। चार पाँच दिन पहले हमने तीन लड़के पकड़वाए हैं, दो लड़के पकड़वाए हैं। उनका कहना यही है कि दूसरे तीसरे दिन हमारी जमानत हो जाती है, पुलिस क्या कर लेती है हमारा, हम चिट्टा पिएंगे और बेचेंगे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। आज फिर हमने दोबारा पकड़े हैं ये, इनके पास माल बरामद हुआ है जो हमारे पास मौजूद है। जो लड़कों ने पहले काम किया था वो लड़कों ने काम किया, अभी दो तीन दिन से। सर हम यही जानना चाहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों को पकड़ते हैं तो पुलिस इनको जमानत कैसे दे देती है? एक दो दिन के बाद इनको जमानत मिल जाती है। ये बंदे बयान करते हैं कि हम लोग पिएंगे और बेचेंगे, हमारा क्या कर लेगा कोई, और पूरे तट से बोलते हैं ये लोग। गाँव कंडवाल का स्थायी निवासी हूँ, कुछ रहने वाला हूँ यहाँ से। आज से तीन चार दिन पहले भी हमने दो लड़के पकड़ के पुलिस के हवाले किए थे और वो दो दिन बाद उनकी जमानत वेल हो गई और ये हमें नहीं पता कि वेल किसने करवाई और कैसे हुई। आज उस दिन भी वो जो माल चिट्टा पकड़ा था वो पुलिस वालों को दिया था। आज अब जो चिट्टा पकड़ा है वो लड़कों के पास है, वो रहेगा इनको नहीं देंगे, हम देंगे डीएसपी को सुपुर्द करेंगे। डीएसपी और डीएसपी साहब यहाँ मौके पर आ रहे हैं। आज भी इन लड़कों ने बड़ी मुशक्कत के साथ ये तीन लड़के पकड़े हैं और इनका धंधा है, लोग बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। दो दिन पहले पकड़े थे आपने लड़के, वो भी यही थे या और थे? नहीं, और थे सर, का था एक अमेरिकन वाल का था। हाँ जी, आपकी पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से यही मांग है कि इनके जो लॉटरी जांच करवाई जाए और इनका पता चला और इनके पाया जाए कि है वाकई चिट्टा पीते हैं या नहीं पीते हैं, कैसा मतलब इसका जो है पूरा मेडिकल किया जाए और इनको सख्त सजा दी जाए।